हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SJ इलेक्ट्रिकल वर्ड्स पे। सो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सीढ़ी पे लाइट कैसे लगाते हैं। बहुत सारे लोग इसे स्टेयर भी कहते हैं। और आज की पूरी वीडियो में आप बने रहें, पूरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, बारीकी से बताएंगे कि उसके लिए अंडरग्राउंड में हम कटिंग कैसे करेंगे, कौन सा बॉक्स लगाएंगे और उसके बाद फुल लाइट फिटिंग कैसे करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं कि यह हमारा सीढ़ी है। इस तरह और भी सीढ़ी अलग अलग जगह पर हैं और इसी में हमारा लाइटिंग लगेगा। तो हम लाइटिंग कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉल कटिंग करेंगे। यहाँ एक लाइट हम यहाँ पर फुट लाइट लगाएंगे 3 मॉडल का। उसके लिए हम अभी GI बॉक्स 3 मॉडल का लिए हैं, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। एक लाइट हम यहाँ लगाएंगे और फिर एक धाप या एक सीढ़ी आपकी लैंग्वेज में जो भी कहते हैं उसे छोड़कर एक लाइट हम यहाँ पर लगाएंगे। इस टाइप से अभी हम दिखाते हैं आपको। तो कुछ सीढ़ी देख सकते हैं कि इस साइड है और कुछ सीढ़ी यहाँ नीचे है। हमें इन दोनों पर ही लाइट लगाना है। तो ये जो लाइट बॉक्स हम लगाएंगे, ये वैसे 3 मॉडल का बोर्ड है लेकिन इसमें हमारा फुट लाइट लग जाता है। तो इसे हम लगाएंगे, इसे हम नीचे से 6 इंच की ऊंचाई पर रखेंगे और इधर से 10 इंच बोर्ड का सेंटर रखेंगे। तो देख सकते हैं कि 10 इंच पे हमने एक मार्किंग कर लिया है और नीचे से 6 इंच पे हमने यहाँ एक मार्किंग कर लिया है। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसी तरह से हम पूरे में लाइट लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको कटिंग करने सिखाएंगे। उसके बाद बॉक्स को उसके जगह पर रख कर हम उसके चारों तरफ मार्किंग कर देंगे, जिससे हमें ग्राइंडर चलाने में, कटिंग करने में आसानी होगी। तो अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं, आप म्यूजिक का आनंद लें। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And और उसी तरह हमें जहाँ जहाँ लाइट लगाना है वहाँ पहले बोर्ड के लिए मार्किंग करके बोर्ड काट लेंगे। पाइपिंग के लिए हम वहाँ पे वॉल बाद में काटेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि नॉर्मली हम वॉल कटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी धूल उड़ रहा है। तो अब हमें जहाँ पर वॉल कटिंग करना है, सबसे पहले हम वहाँ पर अच्छे से पानी डालकर भिगो लेंगे और उसके बाद ग्राइंडर चलाएंगे। पानी डालकर ग्राइंडर चलाने में एक फ़ायदा तो है कि धूल बहुत कम उड़ता है, लेकिन इसमें आपको एक ख़तरा हो सकता है। अगर आप नए नए काम कर रहे हैं, नए इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आप ये रिस्क ना लें, क्योंकि पानी डालकर ग्राइंडर चलाने से ग्राइंडर आपका झटका मारेगा। और दीवार काट ली है, उसके बाद हम अपने ब्रेकर के हेल्प से दीवार को, अब झिर्री को तोड़ना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने एक बार ग्राइंडर चलाकर झर्री निकाल दिया है, लेकिन बोर्ड की गहराई ज़्यादा होती है इसलिए हमें यहाँ पर 2 बार ग्राइंडर चलाना पड़ता है। तो एक बार हमने झर्री जितना निकला निकाल लिया और एक बार और हम ग्राइंडर को थोड़ा थोड़ा अंदर चला लेते हैं, उसके बाद अपने ब्रेकर से तोड़ लिए हैं और अब बोर्ड इसमें आसानी से फिक्स हो जाएगा। और देख सकते हैं अब हमने पाइपिंग के लिए भी कटिंग शुरू कर दिया है और हम देख सकते हैं यहाँ पर एक 3 मॉडल का बोर्ड लगा दिए हैं और उसमें हमने एक पाइप का टुकड़ा जोड़ा, उसमें एक बैंड लगाया और उसके बाद नीचे डाउन कर दिया और इसे हम पाइप क्लिप के हेल्प से दीवार पे फिक्स भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको कुछ ईंटें या ईंट के टुकड़े से डालकर हम इसे फंसा ले रहे हैं। और देख सकते हैं नीचे भी हमने एक 3 मॉडल का बोर्ड लगा दिया है। यहाँ पर जितने भी लाइट लगेंगे सभी 3 मॉडल के GI बॉक्स में लगेंगे। तो उसी तरह से हम पाइप को और काटेंगे और एक बैंड और पाइप लगा लगा कर हमें यहाँ पर जितने भी लाइट लगाने हैं हम लगाएंगे। यहाँ पर कटिंग अभी हमने करके आपको 3 बोर्ड के लिए ही दिखाया है, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 लाइट हम लगाएंगे और 4 लाइट नीचे वाले सीढ़ी में लगाएंगे जो हमने आपको पहले दिखा दिया है। यहाँ पर प्लस्तर का काम हो रहा था तो नीचे भाड़ा बंधा हुआ था, इसलिए हमने अभी यहाँ पर 3 ही लाइट का कटिंग किया है। तो काम करते करते दोस्तों लाइट कट गई थी और
हमने सोचा कि लाइट कट गई तो हमारा काम रुक जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर छेनी हथौड़ी का यूज़ कर कर अपने दीवार को तोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा ढलाई आ गया तो पिलर आ गया तो काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन हमारा दीवार कट गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा हमने बताया था यहाँ पर हम चार लाइट लगाएंगे और टोटल फिटिंग अप हो गया है। बस उसी तरह आपको भी करना है, दीवार काटना है, उसमें बॉक्स लगाने हैं और पाइप लगाने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने छः लाइट दिया है और एक बॉक्स से हमने ऊपर पाइप उठाया, एक जंक्शन दिया, जंक्शन से हमने बाएं साइड दो मॉडल का बोर्ड लगा दिया जिसमें स्विच लग जाएंगे, और एक पाइप ऊपर एमसीबी बॉक्स में निकाल दिया है जिससे सप्लाई मिल जाएगी। और देख सकते हैं देखने में यह काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, इसकी फुल फिटिंग प्लास्टर होने के बाद लाइट फिटिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी, हम उसका एक दूसरा पार्ट बना देंगे, उसमें काफ़ी दिन लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्लास्टर होगा, पेंट होगा, उसके बाद हम लाइट फिटिंग करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलेंगे।